अररिया में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून महंगाई बेरोजगारी एवं कुशासन के खिलाफ बिहार कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों की संख्या में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं अररिया जिले के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल सिन्हा की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान मजदूर बेरोजगार युवा एक वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं और ये सरकार कान में रुई डालकर पांच राज्यों में होने वाले चुनाव के प्रचार में दौरे कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को किसी की चिंता नहीं है। साथ ही कहा कि बिहार विधानसभा में पुलिस के नए बिल और महागठबंधन की रैली में पुलिस के द्वारा विधायकों और आम लोगों की बर्बरता की निंदा करते हुए सरकार माफी मांगे नहीं तो आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी गई है। वर्तमान नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों अंधी और बहरी हो चुकी है। विगत 100 दिन से बेसी 4 महीने लगभग होने जा रहा है, इतना बड़ा आंदोलन एक असहयोग आंदोलन ही चला था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है आज़ादी के बाद कि 4 महीने तक चलता हुआ हो गया और केंद्र की घूमी और बहरी सरकार के कानों पर जू नहीं रही। हमारे किसान तड़प रहे हैं, अपनी मांगों के लिए कितने किसान शहीद हो गए हम लोग सुनते हैं कि 300 से अधिक किसान अपना प्राण गंवा चुके हैं। उसके बाद भी जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर किसान धरना दिए हुए हैं, ये सरकार टहल के हिलते हुए भी जाती तब तक पहुंच गई रहती, लेकिन हिलना तो दूर, पूरी तरह से बहरी बनी हुई है और आंख से अंधी बनी हुई है। हम लोग उन किसानों के समर्थन में यहाँ आज धरना दे रहे हैं। उन किसानों का जो मांग है आप स्वयं जानते हैं कि जब आप हम पूरा दे देंगे, लंबा है कि तीन जो काला कानून है किस तरह से किसानों के ही जो उपजाए गए उनका अनाज है उसको किस तरह से अमीरों जांच करेंगे और लेने के वक्त ये प्रोसेसिंग होगा और कंटेक्ट के वक्त भी प्रोसेसिंग होगा, ये इस ढंग का आप उपजाव कीजिएगा तो आपको ये पैसा मिलेगा। किसान तो उपजा करके उनके यहाँ पहुँचा देगा, उनका अफसर कहेगा कि इस ढंग का नहीं है, इसको इतना ही रुपया दिया जाए, जिस तरह से जमींदारी प्रथा में होता था, अंग्रेजों के राज में होता था कि नील है तो नीले उपजाना है। तो इस ढंग का जो किसान के साथ अन्याय करने का सरकार सोच रही है उसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं। अभी 2 दिन पहले बिहार विधानसभा में जिस ढंग का नंगा नृत्य किया गया सरकार के द्वारा, आज तक का इतिहास नहीं है कि विधानसभा में पुलिस बल घुसा हो। मार्शल जो वहाँ डिप्यूट है उन्हीं के द्वारा विधानसभा सदस्यों को बाहर किया जाता रहा है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स को बुला के लोगों को, विधायकों को, माननीयों के पिटवाया गया, महिलाओं को खींच खींच कर जिस तरह से बोरा को उठा के बाहर फेंका जाता है उस तरह से विधानसभा सदस्यों को फेंका गया। भेल के नज़दीक माननीय सदस्य अध्यक्ष के पास कितने बार लोग पहुँचे हैं, कितने बार जिंदाबाद मुर्दाबाद किए हैं, लेकिन ये स्थिति आज तक नहीं आया कि कोई भी सरकार जो रूलिंग पार्टी की हो, रूल करती हो, सदस्यों के द्वारा इस ढंग का अपमानजनक व्यवहार करे, इसकी हम लोग तीव्र निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की मांगों पर यथाशीघ्र विचार करके जो भी रास्ता निकालना हो निकाले, नहीं तो कांग्रेस किसानों के समर्थन में लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।